वेलकम टू माय चैनल कुकिंग बेकिंग विद अस। आज जो मैं बनाने जा रही हूँ वो चिकन कढ़ाई। उसके लिए मुझे चाहिए 1/2 kg चिकन, अदरक लहसुन, फिर यहाँ पे मैंने मसाले लिए कुटी हुई लाल मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च 1/2 teaspoon, कुटी हुई लाल मिर्च 1 teaspoon, नमक हसबे जायका, काली मिर्च 1/2 teaspoon, 1 tablespoon मैंने लिया है भुना हुआ मसाला जिसमें साबुत धनिया, ज़ीरा और साबुत लाल मिर्चों को भूनकर मैंने कूट लिया है। और यहाँ पर 1/2 teaspoon गरम मसाला पाउडर है। यहाँ पर कसूरी मेथी है 1 teaspoon लिए मैंने। यहाँ पर दही लिया है मैंने 3 tablespoon। और यहाँ पर चॉप मैंने टमाटर लिए हैं 2 से 3 अदरक दरमियाने। बस ठीक है, हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। 1/2 cup ऑयल लिया है मैंने। अब उसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे 1 tablespoon। इसको पहले फ्राई करेंगे। अब इसके अंदर चिकन डालेंगे। फ्राई करेंगे। कुटी हुई मिर्चें, लाल मिर्चें और नमक। अब टमाटर डालेंगे। अब इसको ढक देंगे तो हमारी चिकन गल जाएगी और टमाटर भी गल जाएंगे। तो उसके बाद हम दोबारा दूसरे मसाले डालेंगे। अब इसमें हम दही डालेंगे 3 tablespoon। फिर इसमें हम डालेंगे तमाम मसाले, ये जो हमने रखे हुए हैं 1/2 teaspoon गरम मसाला पाउडर, 1/2 teaspoon काली नमक, काली मिर्च और ये भुना हुआ मसाला। और कसूरी मेथी अब इसको हम थोड़ी देर ढक देंगे। फिर हमारी ये कढ़ाई को तैयार है। ये देखिए हमारी कढ़ाई कुछ तैयार हो गया है। अब इसको हम डिश ऑफ करते हैं।